ना बेमतलब के मुद्दे, ना बेमतलब की बहस, खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक, डीपी के न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपी के न्यूज। नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, एनपीआर में ना कागज ना ही कोई सबूत, जो लोग कहेंगे वही माना जाएगा। तो वहीं विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चार दिन पहले दफनाए गए 1.5 वर्षीय बालिका के शव का किया पंचनामा। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दी गई है। अप्रैल से दिसंबर तक एनपीआर की प्रक्रिया चलेगी, इसमें नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, इस काम को यूपीए सरकार ने सोचा था, यह एक अच्छा कदम था, हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की भी मंजूरी दी गई। अप्रैल से दिसंबर तक एनपीआर की प्रक्रिया चलेगी, इसमें नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। मंत्री ने साफ किया कि इसके लिए किसी भी कागज या सबूत को दिखाने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर आएंगे। उन्होंने बताया कि हर राज्य ने इसके लिए अनुमति दी है। उन्होंने यह भी बताया कि हर 8 से 10 सालों में इस रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने इस योजना की जरूरत के बारे में बताया कि सरकार योजनाओं का लाभ सही और सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इसमें किसी तरह की बायोमेट्रिक जानकारी भी नहीं मांगी जाएगी। तो खबर श्री गंगानगर के घड़साना से, जहां नेहरू युवा केंद्र व खेल मंत्रालय भारत सरकार के जिला युवा समन्वयक भूपेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार घड़साना ब्लॉक के राष्ट्रीय युवा समन्वयक सेवक बजरंग लाल व रायश्रीनगर ब्लॉक के राष्ट्रीय व युवा स्वयं सेवक अभिषेक प्रजापति ने संयुक्त रूप से मिलकर श्याम युवा मंडल के सहयोग से सनराइज कोचिंग में ब्लॉक स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 5 वार्ताकारों ने भाग लिया, जो कि अलग अलग सरकारी विभागों से आए हुए थे। उन्होंने हमारे युवाओं व समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्याख्यान देकर युवाओं का मार्गदर्शन किया। महिला शिक्षा, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण व कौशल विकास व स्वरोजगार आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान अभिषेक प्रजापति ने ग्रामीण युवक युवतियों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यों में अवगत करवाया व युवाओं को इससे जुड़ने की भी अपील की। तो खबर सूरतगढ़ से, आज हेमोपैथिक अस्पताल की महिला चिकित्सक ने अपने ही विभाग पर पक्षपात के आरोप लगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ के राजकीय हेमोपैथिक डॉक्टर निमिष पर शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला डॉक्टर हरमेंद्र कौर ने आशियाना होटल में एक प्रेस वार्ता में अपने ही विभाग के एक चिकित्सक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बताया कि इस संबंध में मैंने सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथिक विभाग जयपुर की एक टीम इस मामले की जांच करने विगत दिनों सूरतगढ़ आई थी, जिसमें शामिल डॉक्टर रेणु बंसल, डॉक्टर मनीष सक्सेना भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही हैं। होम्योपैथिक विभाग व पुलिस द्वारा मुझे न्याय नहीं दिया जा रहा, इस संबंध में मैंने विभाग के उच्च अधिकारियों सहित मानव अधिकार व महिला आयोग को पत्र लिखकर दोबारा जांच करने की मांग की है, जिस पर विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है।
डॉक्टर हरमिंदर कौर ने पत्रकारों को बताया कि मेरे साथ एक अन्य पीड़ित रही महिला परिचारक के बयान नहीं लिए गए, वह कंपाउंडर निहाल बिश्नोई के बयान भी नहीं लिए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि विभागीय जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई है। चिकित्सालय में कार्यरत हूँ, मेरे ही साथ में यहाँ पे एक डॉक्टर नमीश और कार्यरत हैं, जो मेरा और महिला परिचारक दोनों का शारीरिक और मानसिक शोषण लगातार 3 वर्षों से कर रहा था। इसकी हमने शिकायत FIR दर्ज करवाने के लिए मैं और महिला परिचारक और मेरे पति 16 नवंबर को पुलिस थाने गए। वहाँ से हमें भगा दिया गया कि नहीं, देख लेंगे इसको, ये कागज हमें दे जाओ। तो जैसे तैसे हमने हाथाजोड़ी करके प्राप्ति रसीद प्राप्त की और 17 तारीख की शाम को CO साहब के हाथ पैर छोड़ करके हमारी कहीं FIR दर्ज कराई। हमारी FIR भी कोई दर्ज नहीं कर रहा था। उसके बाद में 21 तारीख को हमारे 164 धारा 164 में बयान भी दर्ज हो गए कोर्ट के अंदर, मेरे और महिला प्रचारक दोनों के। लेकिन आज दिन तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात को 1.25 महीना हो गया और प्रभावशाली चिकित्सक खुला घूम रहा है, उसको कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस से बार बार इंक्वायरी ऑफिसर से बार बार पूछने तो कहे जांच चल रही है। ऐसी क्या जांच चल रही है? यहाँ स्टाफ के 3 मेंबर हैं, हम लोग, मैं हूँ, महिला परिचारक है और तीसरे कंपाउंडर जो ये 14 वर्षों से कार्यरत था, उसके भी स्टेटमेंट ले लिए जाएँ, उसके भी बयान ले लिए जाएँ, हम तीनों के बयान ले के करके जाँच की जाए। लेकिन वो इस चीज़ को टाल रहे हैं क्योंकि चिकित्सक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी इसके साथ ही मिल गई है। बार बार हम लोग जा रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग की टीम आई 9 दिसंबर को बीच में, तो वो विभाग ने भी पूरा इस षड्यंत्रकारी के साथ में षड्यंत्र रच रखा था, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सक है। इसने लोगों के बयान और विभाग की टीम ने भी लोगों के बयान दर्ज करके आसपास की पब्लिक इकट्ठा करके बयान करवा लिए और उसके बिहाफ पे एक तरफा रिपोर्ट तैयार कर दी, जबकि उन्होंने मेरे साथ में जो पीड़िता और साक्ष्य जो थी मेरी महिला परिचारक, उसको घर से बुलाने की जहमत नहीं की। वो साप्ताहिक अवकाश पे थी और घर पर ही थी और इस डॉक्टर को उसका घर भी मालूम है, लेकिन उसको बुलाना इसलिए जरूरी नहीं समझा ताकि उसके बयान ना हो सके और इसकी रिपोर्ट कमजोर ना हो सके। लोगों के बयान के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार कर ली कि क्या ये सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरफा रिपोर्ट तैयार की, मैंने उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में लिख कर दिया है कि ये जांच रिपोर्ट दोबारा तैयार की जाए और दोबारा से जांच होनी चाहिए। ये बिल्कुल निष्पक्ष बयानी है, पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है। बिल्कुल अभी तक कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। इस बात को 1.25 महीना हो गया, हम चक्कर काट काट के हम लोग थक चुके हैं, मैं, मेरे पति और परिचारक तीनों जने, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आला अधिकारियों को भी लिख दिया, वो भी इनसे पूछते हैं थाने के अंदर क्या हो रहा है, क्या जांच चल रही है साहब, जांच चल रही है, ऐसी क्या जांच चल रही है, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये पढ़े लिखे होके हमारे को जब न्याय नहीं मिल रहा तो अनपढ़ कुमार लड़की होती तो वो तो करती क्या, उसका तो ऐसे प्रभावशाली लोग पता ही नहीं लगने देते कहाँ गई। मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ और बार बार इनसे जाकर के पूछ रही हूँ क्या हो रहा साहब, लेकिन कोई इसके बारे में अभी तो कोई हमें सूचना ही नहीं दे रहा। जांच चल रही है साहब, जांच चल रही है, तनिक क्या जांच चल रही है हमारे को कुछ समझ। तो खबर नीमका थाना के गणेश्वर गांव से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कई महीनों से प्रधानाचार्य व व्याख्याता में खींचतान के चलते आखिरकार शिक्षा विभाग के निर्देशक ने दोनों को उचित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। सोमवार को जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश टेलर विभागीय आदेश लेकर विद्यालय पहुंचे तो प्रधानाचार्य को मामले अवगत करवाया तो प्रधानाचार्य विभागीय आदेश की जानकारी पाकर तबियत खराब होने की बात कहकर दवा लेने चले गए। व्याख्याता ने आदेश की कॉपी ली, जब विद्यार्थियों को भनक लगी, विद्यार्थियों का पक्ष लेते हुए निलंबित का विरोध करने लगे। विद्यालय से बाहर आकर मुख्य सड़क पर नारेबाजी कर जाम लगाने की कोशिश की, हंगामा किया। विद्यालय स्टाफ व ग्रामीणों ने विद्यार्थियों की समझाइश कर क्लास में भेजा। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से प्रधानाचार्य व व्याख्याता में खींचतान चल रही थी। ग्रामीण व अभिभावकों ने कई बार समझाया, मामला शांत नहीं होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाया। अधिकारियों द्वारा समस्या पर समाधान नहीं देने पर विद्यालय के सामने धरना दे दिया। ग्रामीणों ने धरने का ज्ञापन देकर उपखंड अधिकारी व विधायक को धरने की सूचना दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणेश्वर में ग्रामवासियों के द्वारा प्रधानाचार्य और व्याख्याता के विरुद्ध धरना दिया जा रहा था, जो 15 तारीख से लगातार जारी था। इस धरने के बाद विभागीय अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया गया, जांच रिपोर्ट भिजवाई गई और 21 तारीख को निदेशक महोदय के आदेशों से दोनों को निलंबित कर दिया गया। आज इन्हें पूर्वान्ह में निदेशालय के लिए कार्य में कर दिया गया। ठीक, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि हवाई सिंह जी सर चाहिए और उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए सब झूठे हैं और हम पढ़ेंगे तो उनसे ही पढ़ेंगे, नहीं हड़ताल जरूर होगी स्कूल में। और जब भी हवाई सिंह जी सर और प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा के बीच जो भी झगड़ा होता था तब आवाज़ होती थी जो ऊपर कमरों तक जाती थी, तो हमें 1 जनवरी 2020 तक हवाई सिंह सर स्कूल में चाहिए, नहीं हम हड़ताल जरूर करें। निलंबित कौन कौन से अध्यापक हुए हैं यहाँ से? निलंबित हवाई सिंह सर और प्रिंसिपल प्रिंसिपल का क्या नाम है? पवन कुमार शर्मा।
तो खबर झालावाड़ से, जहां भाजपा द्वारा दूसरी बार पुनः संजय जैन ताऊ को झालावाड़ जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रथम बार डग पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उनका ढोल नगाड़े व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। संजय जैन ने बताया कि वसुंधरा राजे वह पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमेशा दोबारा इस दायित्व के काबिल समझा। हम निश्चित तौर पर भाजपा को और मजबूत बनाकर आने वाली पंचायती राज चुनाव में एक बड़ी जीत दिलवाकर झालावाड़ जिले में फिर पार्टी का झंडा ऊंचा करेंगे। जिलाध्यक्ष के डग पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ता में हर्ष की लहर देखने को मिली। जिलाध्यक्ष कस्बे की गलियों में पैदल ही कार्यकर्ताओं के साथ गायत्री मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। आपको जो है पार्टी ने दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परिवार की मुखिया आदरणीय वसुंधरा राजे जी के आशीर्वाद से और प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से निश्चित रूप से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी जिला झालावाड़ की जिम्मेदारी मुझे मिली है। सब कार्यकर्ताओं की जीत है। सब कार्यकर्ताओं जो झालावाड़ जिले का एक एक कार्यकर्ता है, वो झालावाड़ का कार्यकर्ता है, एक एक अध्यक्ष है। और आज हमारे सामने जो पहला लक्ष्य है वो जिला परिषद पंचायत राज चुनाव को जीतना है। उसी को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के एक एक पंचायत समिति स्तर पर बैठकें प्रारंभ कर दी है, क्योंकि पंचायत चुनाव हमारा जिला प्रमुख पहले था, आठों पंचायत समिति हमने जीत रखी थी। तो हमारा लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य ये है कि हम पंचायत चुनाव को जीतें और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर संगठन को और मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को और मजबूत करेंगे। और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी और माननीय सांसद महोदय को और मजबूत करेंगे और सारी जीत दर्ज करके उनको गिफ्ट के रूप में जिला पंचायत के चुनाव जीत कर देंगे। तो खबर हनुमानगढ़ से, जहां भादरा में सोमवार को श्री कृष्ण परिणामी बीएड महाविद्यालय भादरा की समस्याओं को लेकर एएसएफआई ने कॉलेज के सामने तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। परिणामी कॉलेज में बीएड के विद्यार्थियों के प्रवेश के नाम पर 2000 रुपए की अवैध वसूली और योग्यताधारी स्टाफ की मांग को लेकर एएसएफआई तहसील कमेटी व कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद छात्राओं ने फीस वृद्धि को लेकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते मुख्य बाजार होते हुए उपखंड कार्यालय कार्यवाहक जीतू सिंह मीणा को ज्ञापन दिया। अगर विद्यार्थियों की मांगे कॉलेज प्रशासन नहीं मानता तो आंदोलन और तेज करेंगे व कॉलेज के गेट के आगे तालाबंदी करेंगे। बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो? सर, कॉलेज में स्टाफ भी कंप्लीट नहीं है, ना लाइब्रेरी में बुक्स है, ना ये 2000 रुपए एडमिशन के लिए अवैध वसूली ली गई है। और स्पोर्ट्स वीक में हमने एग्जाम फॉरम फीस भरा था, तो स्पोर्ट्स फीस में हमने फीस कटवाई थी और स्पोर्ट्स के टाइम स्पोर्ट्स करवाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि किट घर से लेके आना, और ना कोई सफाई की व्यवस्था है और टीचर्स टॉर्चर करते हैं कि आप ये मुद्दा उठाओगे तो आपके नंबर नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऐसा। कौन से टीचर जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं इस बात के लेके? खबर झुंझुनू के अरडावता ग्राम पंचायत से, जहां बारिक आवास में सोमवार को 19वीं वार्षिक एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि पूनम कटेवा रही। अध्यक्षता सरपंच सुनील कुमार बारिक आवास ने की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि जयपाल पायल, भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आशीष डांगी रहे। इस दौरान उद्घाटन मैच सिलारपुरी व हिरवा के बीच खेला गया, जिसमें हिरवा की टीम विजेता रही। इस प्रतियोगिता के समापन पर विजेता 21,000 नगद ट्रॉफी व उपविजेता टीम को 11,000 व नगद ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सरपंच सुनील कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है और बड़े स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता समारोह में भी खिलाड़ियों को भाग लेना चाहिए। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष आशीष डांगी ने भी उद्बोधन में कहा कि खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, सभी खेल को खेल की भावना से खेले। तो खबर बीकानेर से, जहां कोलायत में भाजपा विचार परिवार व सर्व समाज के तत्वाधान में बुधवार को सद्भावना CAA के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम सिंह, भाजपा विचार परिवार के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभात सिंह के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल से धन्यवाद यात्रा सदर बाजार, बैंक रोड, ग्राम पंचायत रोड, रोडवेज बस स्टैंड, महेंद्र सिंह सर्किल होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद ज्ञापन दिया।
यहां पहुंचने के बाद रैली को संबोधित करते हुए श्याम सिंह, प्रभात सिंह, रणजीत सिंह ने कहा कि किसी के खिलाफ ना होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देशों में प्रताड़ित वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिक देना है। इस अवसर पर वक्ताओं ने विरोधी दलों के बहकावे में न आकर राष्ट्रपति संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व देश में सद्भावी वातावरण को नुकसान पहुंचाने की कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। ज्ञापन नरसिंह साहब को सौंपा है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके पक्ष के अंदर अभी जो असामाजिक तत्व है देश में एक अलग हवा चला रहे हैं, विघटन की हवा चला रहे हैं। जनता मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी इसी तरह देश के अच्छे फैसले लेते रहे ना। एक प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा फैसला लिया है, जो 70 साल लगे इस फैसले को लेने के अंदर, मोदी जी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो इस देश के हित में फैसले ले रहे हैं, उसको कांग्रेस सरकार जो लोगों को गुमराह करके और विघटन की जो राजनीति कर रही है उसकी मैं निंदा करता हूं। और पूरा देश एक साथ एकजुट मोदी जी के फैसलों के साथ है, इस देश के साथ है। और मैं अपील करता हूं सभी से कि गुमराह ना हो और देश के एक साथ रह के और देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद। तो खबर सोजत से, जहां क्षेत्र के चंडावल गांव में 4 दिन पूर्व 1.5 वर्षीय बालिका की हत्या की जांच के तहत आज सोजत उप पुलिस अधीक्षक चंदन सिंह, रायपुर उपखंड अधिकारी सोजत, थानाधिकारी रामेश्वर भाटी की मौजूदगी में जोधपुर में आई मेडिकल टीम के सदस्यों ने शव का पंचनामा कर शव को पुनः दफनाया। पुलिस के अनुसार चंडावल निवासी ओम प्रकाश सिरवी ने पत्नी पर अवैध संबंध के शक के चलते 1.5 वर्षीय पुत्री को अपनी नहीं मानते हुए उसकी हत्या कर दी। हत्या से पूर्व आरोपी ने अपनी पत्नी बबीता के साथ मारपीट करना शुरू किया। उसी दौरान उसकी माँ सुखिया देवी बीच बचाव करने आई तो वह चोटिल हो गई, जिसे बबीता व उसका ससुर पूनाराम सुखिया को चंडावल अस्पताल लेकर गए। पीछे से आरोपी ने अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री किरण को नाजायज मानते हुए धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। जब परिजन अस्पताल से वापस घर आए तो बच्ची का शव बरामदे में लहूलुहान हालात में पड़ा था। सामाजिक प्रतिष्ठा व पुलिस के भय से आरोपी के पिता पूनाराम ने रात में ही अपनी पोती के शव को घर के पास खेत में ही दफना दिया और दूसरे दिन सुबह आरोपी को मानसिक रूप से पागल बताकर जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। घटना के दूसरे दिन ही मां की ममता जाग पड़ी और वो अपनी लाडो की याद में फफक फफक कर रो पड़ी। जब अब आसपास के लोगों को रोने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने रोने का कारण पूछा, तब बबीता ने आप बेटी बताई, तब आसपास के लोगों ने पुलिस तक सूचना पहुंचाई और सोजत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पिता के साथ जोधपुर ले गए और प्रकरण दर्ज करवाकर आज शव का पंचनामा किया। कल हमारे थानाधिकारी सोजत सिक्की को अपुष्ट सूत्रों से और कुछ मुखबिर के मार्ग से सूचना मिली थी कि पूनाराम सिरवी है जो चंडावड़ का रहने वाला है, उसके बेटे ने उसकी पोती को मतलब ओम प्रकाश की पुत्री की हत्या करके और वो भाग गया है और इसने पूनाराम ने उसकी जो है बॉडी का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया है। उप सूचना पे जो है पूनाराम को और इधर उधर से सब जगह से मालूम करके और ला करके पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को स्वीकार किया, जिस पर जो है प्रकरण दर्ज हुआ है और पूनाराम की निशादेही से SDM साहब की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवा करके उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है और बाद पोस्टमार्टम शव को वापस दफनाया गया है और इसमें अनुसंधान चल रहा है आज जो है इसमें। तो वहीं सोजत के मोड़ भट्टा चौराहे के पास 2 दुपहिया वाहन की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें उन पर सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुरेश पुत्र रमेश जोशी, दिनेश पुत्र बुधराम प्रजापत, हेमराज पुत्र दुर्गाराम व रामदयाल पुत्र कानाराम मेघवाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से एक को उचित इलाज के लिए रेफर किया। वहीं दुर्घटना का प्रकरण दर्ज कर वाहनों को जब्त करके जाँच शुरू कर दी। खबर जैसलमेर के फलसुंड से, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया व चोरी की 12 बाइक जब्त करने में एक सफलता हासिल की।
वहीं पुलिस गिरोह के सदस्यों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग ने प्रेस वार्ता कर बताया कि फलसुण थाने में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। वहीं एक पीड़िता ने बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार व पुलिस वरिष्ठाधिकारी मोटाराम गोदारा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया। फलसुण थानाधिकारी देवकिशन के नेतृत्व में टीम गठित कर बाइक चोरों की तलाश प्रारंभ की। इस पर मुखबिर की सूचना व तकनीकी आधार पर बाइक चोर चतुर्भुज व श्रवण को दस्तयाब कर उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने बाइक चोरियों की वारदात कबूली। साथ ही उन्होंने फलसुण, पोखरण, जैसलमेर, ओसियां, जोधपुर, ब्यावर व सांचौर व अहमदाबाद से बाइक चोरी करने की वारदातें कबूली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनकी निशासदेही पर 12 बाइकों को जब्त किया। उनकी जो बड़ी इन्होंने कार्रवाई की है उसके लिए बुलाई गई है। इन्होंने एक अंतर राज्यीय और इंटर रेंज हमारा एक काफी गैंग है, इसको पकड़ा है मोटरसाइकिल चोरों का। इसमें हुआ ऐसा है कि 8-12 को हमारे यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, हीरो होंडा एक हॉर्नेट करके। इसमें जो इन लोगों ने पूछताछ के लिए दो मुलजिम लेके आए थे, एक तो चुतराराम है, चुतरा उर्फ श्रवण, और मांगीलाल उर्फ मनोज, फलसुण के ही रहने वाले हैं ये दोनों। इनसे जब पूछताछ की गई तो ना केवल वो वाली मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी वो मिली है, इसके अलावा 12 मोटरसाइकिल्स और बरामद हुई हैं इनके द्वारा, इनसे जो इन्होंने चोरी अलग अलग जगह से की थी। कोई फलसुण से की है, कोई पोखरण से, कोई जैसलमेर से करी है, एक ओसिया, जोधपुर, ब्यावर, बालोतरा, साचौर और इवन अहमदाबाद से। इन दोनों का यही काम था मोटरसाइकिल चोरी करना और उसको आगे जाके बेच देना। तो इन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए एक समय पे 12 मोटरसाइकिल्स, जहाँ तक मुझे ध्यान है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में तो फर्स्ट टाइम इतनी मोटरसाइकिल्स एक साथ बरामद हुई हैं, और टोटल 16 चोरियाँ इन्होंने मानी हैं बाइक्स की। और मुझे उम्मीद है कि और भी बाइक्स ये लोग अब कर लेंगे इसमें बरामद की, और जिन लोगों ने साथ में चोरी में मदद की है या आगे जिन्होंने बेची है उनको भी साथ में इसमें नामजद करके अरेस्ट किया जाएगा। इसमें खास करके देवकिशन के साथ कौशलाराम कॉन्स्टेबल है, और सीओ साहब की सुपरविजन के अंडर इन लोगों ने सबकी इनकी टीम जो थी पूरी, दिलीप, गणपत, इनको और मूलदान और मुकेश जो हमारा DCRB जैसलमेर में है उनकी मदद से इन्होंने ये पर्दाफाश किया है। तो मैं देवकिशन की टीम को बधाई देना चाहूँगी जो इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छोटे से चोर जिनको हम समझ रहे थे, इनसे 16 बाइक्स की चोरी का खुलासा इन्होंने किया है और 12 हमारे पास बाइक्स आज के दिन में आ चुकी हैं। खबर बाड़मेर के आसोत्रा से, जहां विश्व प्रसिद्ध श्री खेतीश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 27वां श्री खेतीश्वर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मधाम तीर्थ के गादीपति तुलसाराम जी महाराज के सानिध्य में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर विकास पालीवाल व उसकी टीम और कुल 914 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 104 के सफल ऑपरेशन किए गए। इसमें से 810 लोगों को दवाई व चश्मे दिए गए, जिसमें बामाशाह डायालाल रावता जी की ओर से चश्मे व शॉल भेंट किए गए। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि रविवार रात्रि विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली, श्याम पालीवाल, सुजान सिंह, राजपुरोहित, हरि सिंह व कई कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। खबर जालौर के मौद्रान से, जहां पुराना जर्जर और बदरंग भवन, बारिश में टपकती छत और उसके नीचे सहमे हुए बच्चे, बिना चार दीवारी का पशुओं का सुलभ चारागाह और टूटे हुए पिलर्स का गेट, यह मंजर है जालौर ब्लॉक की नून गांव के सरकारी स्कूल का। लेकिन अब इस विद्यालय के अच्छे दिन आ गए हैं और यह संभव हुआ है स्कूल के प्रधानाचार्य के नवाचारी प्रयासों से। जब इंसान करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं, इसी को साबित कर दिखाया जालौर के नून गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राय सिंह महला ने। स्कूल में भौतिक सुविधाओं की कमी तथा अभिभावकों व ग्रामीणों और भामाशाहों के स्कूल के प्रति उदासीनता को स्कूल के प्रधानाचार्य ने गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों को स्कूल से जोड़ने के लिए एक नवाचार किया। उन्होंने हमारा विद्यालय हमारा गौरव अभियान चलाया, ग्रामीणों को व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक पत्र लिखकर स्कूल की समस्याओं और आवश्यकताओं से रूबरू करवाया और मदद की अपेक्षा की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूर्व छात्र, भामाशाहों और प्रवासियों को इसमें जोड़ा और विद्यालय विकास के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 2 महीने में भामाशाहों द्वारा विद्यालय के विकास कार्यों के लिए 40 लाख से अधिक के विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। इस अभियान को सफल बनाने में विद्यालय का स्टाफ भी पीछे नहीं रहा।
शिक्षकों ने न केवल घर घर जाकर सहयोग मांगा बल्कि स्वयं भी भामाशाह के रूप में सामने आए। शिक्षकों ने मिलकर 51,000 रुपये का सहयोग किया विद्यालय विकास के लिए, तो वहीं गांव के प्रवासी युवा संगठन द्वारा 15,00,000 रुपये खर्च करके जीर्ण शीर्ण भवन की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही भव्य प्रवेश द्वार, मिड डे मील, टीन शेड, सरस्वती मंदिर, भवन की चार दीवारी, मंच शेड और रंग रोगन का कार्य शुरू हो चुका है। इन सब में खर्च करने वाले 40,00,000 रुपए भामाशाहों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कक्षा कक्षों और खेल मैदान विकसित करने के लिए भी भामाशाहों ने सहमति दी है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षित पालिका अहम भूमिका निभा सकती है, यह बात बुधवार को माहेश्वरी महिला समिति बीकानेर की अध्यक्षा कंचन राठी ने स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं और अध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए कही। अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में आयोजित सभा में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल क्रांतिकारियों के प्रति वर्तमान में सामाजिक सोच विषयक वार्ता को भी आगंतुक अतिथियों ने संबोधित किया। शाला की शारीरिक शिक्षिका शीला चुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि माहेश्वरी महिला स्मृति और शाला के प्रधानाचार्य नीना भारद्वाज की ओर से स्वेटर वितरित की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष चंद्रकला कोठारी, उपमंत्री सरला भारती, अंजू लोहिया, निशा झंवर, ज्योति रेखा लोहिया, मंजू दमानी, सुनीता बिनाणी ने भी विचार व्यक्त किए। खबर भीलवाड़ा जिले के बदनोर थाना क्षेत्र से, जहां परा गांव में संत की हत्या के विरोध में आज संत समाज ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को विरक्ते मेवाड़ संत संगठन सेवा संस्थान के बैनर तले ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं संतों ने चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संत दिलीप दास त्यागी ने कहा कि 13 दिसंबर को प्रा गांव में बालाजी मंदिर के महंत शिवदास त्यागी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको आज 11 दिन बीत गए लेकिन पुलिस हत्या का खुलासा नहीं कर पाई, जिसके कारण संत समाज में आक्रोश व्याप्त है। आज हम सारे लोगों ने एक संत की हत्या हुई बदनौर क्षेत्र में, और आज लगभग 11 दिन हो गया FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक हत्यारों का पता जिला प्रशासन नहीं लगा पाया, नाकाम साबित हुआ। आज सारे संत मेवाड़ मंडल मेवाड़ विरक्त मंडल के सारे संत इकट्ठा हुए, संत महान सभी लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया और प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि शीघ्र हम लोग इस हत्या का खुलासा करेंगे और हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। और हम संतों का निर्णय है कि यदि शीघ्र 11 दिन तो निकल गए लेकिन यदि एक सप्ताह के अंदर प्रशासन इसका कोई खुलासा नहीं करता है, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करता है, तो संत समाज विराट आंदोलन करने के लिए विवश होगा और संत सड़क पर उतरे प्रशासन और समाज दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन संतों ने राष्ट्र और समाज के लिए ही साधना किया, तपस्या किया, जंगलों में रहते हैं, और ऐसे संतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और प्रशासन तो अपना प्रयास कर रहा है लेकिन हम लोगों की दृष्टि में जब तक खुलासा न हो, हत्यारे गिरफ्तार न हो, तब तक आतंक और भय का माहौल बना हुआ है, आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसलिए प्रशासन को जल्द जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें क्या सुझाव दिया आपको? जिला कलेक्टर ने कहा कि हमने पूरे जिले की प्रशासन को लगा दिया है और SP साहब और SDM साहब स्वयं इसके उसमें लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हम खुलासा करेंगे, ऐसा आश्वासन जिलाधिकारी महोदय ने। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।